से रामायण राम उसको हम लोग कैंसिल करेंगे। इस बार हम लोग सही हमारे राम का करेंगे। दूसरा वहाँ हमारे राम मंदिर में दुर्गा जी है तो नौ दुर्गा पूजा हम लोग ये हम लोगों को आश्वस्त किया है कि इस बार भी सभी पूजा समिति जो है जो सरकार की जो गाइडलाइन है दुर्गा पूजा को लेकर उसका वो लोग अक्षरशा से पालन करेंगे और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से नियमानुसार जो है इसका मनाया जाएगा विजयदशमी। और कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं जो SOPs हैं जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उस पर भी विशेष बल दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है लोग घर से ही देवी माँ का दर्शन करें, भगवती का दर्शन करें, पूजा पाठ घर पे ही करें। यही उम्मीद है उन्होंने आज आश्वस्त किया है और हम उम्मीद करते हैं कि रांची जिला प्रशासन को सभी निवासियों और सभी वासियों का हम लोगों को सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। सामाजिक संगठनों से क्या फीडबैक मिला, क्या कहना है? सामाजिक संगठनों के द्वारा जो है नियम के पालन को करने के लिए आश्वस्त किया गया है उनके द्वारा और उन्होंने राज्य सरकार के नियमों का स्वागत किया है और उन्हें कहा है कि कोविड में पिछले साल जहाँ पर 4 फीट था वहाँ आज 5 फीट की मूर्ति का साइज़ बढ़ाया गया है। साथ ही साथ पंडाल में जहाँ पहले 7 लोगों को अलाउ किया गया था वहाँ 25 लोगों को अलाउ किया गया है। तो सामाजिक संगठनों ने इसको वेलकम किया है और आश्वस्त किया है कि जिला प्रशासन को पूरी तरह से मदद करेंगे विजयदशमी को शांतिपूर्ण बनाने में। हम सरकार का गाइडलाइन का पूरा अक्षर पालन हम लोग कर रहे हैं और इस वर्ष हम लोग जो है ना पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग कोविड को पूरा मानते हुए और सरकार का गाइडलाइन को समर्थन करते हुए हम लोग पूजा करने जा रहे हैं और जिला प्रशासन का कंधे से कंधा मिला के और जितने हमारे 301 समितियां हैं वो सबको हम लोग पालन कराने में हम लोग सहयोग प्रदान कर रहे हैं और हमारे सारे पदाधिकारी, हमारे संयोजक, हमारे तमाम लोग, ग्रामीण दुर्गा पूजा समिति भी साथ में है और इस कोविड को देखते हुए, महामारी को देखते हुए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं दुर्गा माँ का कि इस बार हम लोग को थोड़ा अगर बच जाएंगे तो अगला बार हम लोग फिर माँ से अच्छे से पूजा करेंगे। यही हमारी आराधना और कामना यही है।